तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का आईपीओ ओपन हो चुका है। आज था फर्स्ट डे, चलिए देखते हैं क्या रहे हैं फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन प्लस, क्या रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक और कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे डिमांड है मार्केट की कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे ही मार्केट भी आज अच्छा खासा बाउंस बैक की है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डे ही गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का जो आईपीओ है ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब कि फुली तो हो ही चुका है, ओवर भी हो गया, 1.96 टाइम सब्सक्राइब हो, लगभग दोगुना हो गया फुल टोटल। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी 3.52 साढ़े तीन गुना सब्सक्राइब कर लिया है। और यहाँ पे अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो भी कोई भी पैसा नहीं लगाया, 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी अपना कोटा पूरा कर लिया है, 1.11 टाइम सब्सक्राइब किया। बिग एचएनएस ने 0.45 टाइम्स और स्मॉल एचएनएस ने 2.42 टाइम सब्सक्राइब किए। तो अगर यहाँ पे डिमांड और आती है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे लेस दिखाई दे रही है, आती है तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक कर चुकी है। हो सकता है आईपीओ में भी फिर से दमखम वही दिखे जो पहले चल रहा था। चलिए देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। जैसा अभी तक आईपीओ में पैसा बना है वैसा यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि पैसा बनेगा। 5.26% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुके हैं, जो कि एक टाइम पे 23.16% पे ट्रेड कर रहे थे और स्टार्ट हुए थे 18.95% से। तो यहाँ पे अगर डिमांड आती तो हो सकता है एक बार फिर से बाउंस बैक ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आ जाए, आईपीओज में भी आ जाए, जैसे मार्केट में आया है आज। और ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये तो कल वाली मार्केट ओपन होने पे पता चलेगा। और उसी के साथ यहाँ पे डिमांड और सब्सक्रिप्शन प्लस जो स्टॉक मार्केट का अभी माहौल चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आईपीओज में बाउंस बैक आएगा, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी 2 दिन है, देखते हैं कैसा रहता है सब्सक्रिप्शन, कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम रहते हैं, उस हिसाब से अप्लाई करना है। वैसे ऐसे तो अभी अंधी तुक्की नहीं मारना है, पैसा बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।